Hi friends, welcome back to our channel. Hope you guys extremely doing well. So today we are discussing CDP question and answers. So let's we start. तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो ऑप्शंस है अनुच्छेद 26, 15, 45, 21A. सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 21A. तो एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक इच्छित अधिकार माना जाता है. वर्ष 2002 में 86 संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया है. इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्रश्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन है कृशकाय यानी दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय या ये सभी. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी. क्रश्मर ने व्यक्ति को निम्न में 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है. पहला है अस्थिक या लेप्टोसोमिक यानी पतली, छोटे, कमजोर. दूसरा है एथलेटिक यानी पेशी, बड़े, अस्थिर. और चौथा तीसरा है पिनाइक यानी सब्जी, वसा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीईटी का मुख्य उद्देश्य निम्न में से का मापन है? तो ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिरुत्ति और मूल्य. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है, जिसका अर्थ किसी विशेष विषय या क्षेत्र में ज्ञान, अभिरुचि, कौशलता इत्यादि विकसित करने की क्षमता से होता है. यह किसी विषय में ज्ञान हासिल करने की अंतशक्ति होती है. इससे शिक्षक छात्र की अभिक्षमता को भी आसानी से समझ जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? सो ऑप्शन है अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, संघनन का सिद्धांत स्मृति यानी मेमोरी की व्याख्या करता है. मेमोरी सम्मेकन प्रक्रियाओं का एक वर्ग है जो प्रारंभिक अधिग्रहण के बाद मेमोरी ट्रेस को स्थिर करता है. सम्मेकन को सिनाप्टिक सम्मेकन में भी अलग किया जाता है जो देर के चरण दीर्घकालिक समाधान का पर्याय बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ऑप्शन से अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण. उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1,
शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठा यानी आत्मनिष्ठा विधि अंतरदर्शन यानी आत्मनिरीक्षण विधि है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती हैं। आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण या अंतरदर्शन विधि अधिक उपयोगी होती है। लॉक के अनुसार मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण यानी अंतरदर्शन कहलाता है। सो उसका आंसर होगा अंतरदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन से सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अल्बर्ट बांडुरा एक प्रभावशाली सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। यह सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, प्रभावकरण, आत्म प्रभावकारिता और उनकी प्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोगों की अवधारणा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अंततः इनका सामाजिक शिक्षा सिद्धांत अवलोकन अनुकरण मॉडलिंग के महत्व पर बल देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम वक्र में पठार बनता है। तो ऑप्शन से परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जब अधिगम करते समय हम ऐसी स्थिति में आ जाए कि हमारी सीखने की क्रिया की उन्नति बिल्कुल रुक जाती है, तो इस स्थिति को अधिगम में पठार कहते हैं। रॉस के अनुसार अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। इससे उस अवधि को व्यक्ति करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। अंततः दिए गए विकल्पों में से थकान के कारण अधिगम वक्र में पठार बनता है सही है। तो इसका आंसर होगा थकान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन से अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो। दर्पण चित्रण परीक्षण को एक मनोवैज्ञानिक तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है जो अधिगम की प्रक्रिया को मुट्ठी से संबंधित होता है। फिर व्यक्ति के क्षेत्र में बढ़ाया जाता है। अंततः इस परीक्षण का उपयोग हम अधिगम अंतरण समन्वय तथा तंत्रिका मनोविज्ञान क्षति आदि में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन से बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयोग किया जाता है। इसमें तनाव, प्रदर्शन, परीक्षण, कार्यात्मक परीक्षण आदि के मापने के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? ऑप्शन से TAT, 16PF, रेवन का परीक्षण, ड्रा ए मैन परीक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
रेवन का परीक्षण अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है क्योंकि इसका संबंध शिक्षण में भरवल व नॉन भरवल अधिमुयड़ को मापने के लिए जाता है, जबकि अन्य तीनों का संबंध वैज्ञानिक परीक्षण से है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह की माध्यिका है, ऑप्शन से 8 9 10 9.5। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका 9.5 है क्योंकि आंकड़ों की संख्या विषम होने पर मध्यक्रम की संख्या माध्यिका होती है, तथा जब आंकड़ों की संख्या सम होती तो माध्यिका 9. तो माध्यिका होगी, तो इसका आंसर होगा 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किससे किया है, सॉरी किसने किया है? तो ऑप्शन से थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी, मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी, फोर्थ वन है स्किनर। तो आंसर इज सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने किया है। सीखने का पूर्ण और सबसे व्यवस्थित उपचार कोफ्का के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांत 1935 में पाया गया है। इसमें इन्होंने सुझाव दिया है कि सीखने की स्थिति एक समस्या की स्थिति है और शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी को समस्या को पूरी तरह से देखना चाहिए। अंतर्दृष्टि में इसका समाधान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, ऑप्शन से संज्ञान, संवेदना, चिंतन। सो आंसर इज ऑप्शन सेकंड। विलियम मैकडूगल के अनुसार मानव विकास और व्यवहार केवल किसी स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वह अन्य बलों से प्रभावित होता है। अंततः संज्ञान, संवेदना, चिंतन सभी संवेग से संबंधित है। इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया विकसित करने तथा लक्ष्यकरण को लक्ष्य बनाने में वृत्ति के महत्व के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन से संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना प्रकट करना अथवा उनसे उसने उसके अर्थ प्रदान करने को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 35 एवं 20 तक की आईक्यू बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहा जाता है। यह न्यूरोलॉजिकल शर्त की जरूरत होती है
जिसे बुनियादी कौशल तथा पर्यवेक्षण के साथ सिखाया जाता है। नेक्स्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन से व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। तो इसका सही आंसर होगा, जिसे रॉशार्क स्याही का धब्बा परीक्षण अथवा रॉशार्क तकनीक कहा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषताओं और भावनात्मक कार्यविधि की जांच की जाती है। इस परीक्षण का नाम स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रॉशार्क के नाम पर रखा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? ऑप्शन से सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि इच्छा विस्मृति अथवा भूल का कारण नहीं है, बल्कि शेष सभी विस्मृति को प्रभावित करते हैं, जैसे सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधि, समय की कमी, कमजोर स्वास्थ्य और दोषपूर्ण मानसिक स्थिति, हस्तक्षेप, आराम और नींद का अभाव आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, डैश कहलाता है। तो ऑप्शन से सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभाव्यता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वह वैज्ञानिक सांख्यिकी है, सॉरी विज्ञान सांख्यिकी है, जो संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंध है। यह डाटा के संगठन से संबंधित विद्या है। इसमें सर्वेक्षण को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन से गार्डनर, शॉनेल, बर्टन हॉल, सीरल बर्ट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सीरल बर्ट ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी। इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि को सांख्यिकीय रूप में निर्धारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ऑप्शन से विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दिए गए उत्तम परीक्षणों की विशेषताओं से अभिक्षमता भिन्न है, क्योंकि परीक्षण में विश्वसनीयता, वैधता तथा वस्तुनिष्ठता पर ध्यान दिया जाता है। अभिक्षमता एक ज्ञान कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बुद्धि के सिद्धांत है विनय का एक तत्व कारक सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिकार बुद्धि सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत आदि। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन से एंड्रन एंड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो उसका सही आंसर होगा लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर थर्ड। लार ग्रंथि अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह एक्सोक्राइन ग्रंथियों नलिकाओं के साथ जुड़ी ग्रंथि है जो लार पैदा करती है। यह कई घटकों से मिलकर बनी बनी होती है। इसमें एमिलेस एक पाचक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्थेस और ग्लूकोज में विभाजित करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ऑप्शन से ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक सक्रिय की अवस्था, पूर्व सक्रिय की अवस्था या मूर्त सक्रिय की अवस्था। द आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में द्वितीय अवस्था पूर्व सक्रियात्मक की अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष के बीच के आयु में देखी जाती है। इसमें प्रतीकात्मक विचार विकसित होता है। इसमें बच्चे वस्तु की विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? से वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, चौथा है ये सभी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सभी। बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम सभी शामिल होते हैं। इससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है, सो डायरेक्ट आंसर देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर वन, बुद्धि लब्धि की गणना निम्न सूत्रों के द्वारा की जाती है। सो यह सूत्र है बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा इनमें से किसने की है? ऑप्शन से डेवी, रॉस, वुडवर्थ, ड्राइवर। सो ऑप्शन आंसर से ऑप्शन नंबर वन डेवी। चिंतनशील सोच का विचार 1910 में जॉन डेवी ने दिया। डेवी की सबसे बुनियादी धारणा यही थी कि सीखने से उस डिग्री में सुधार होता है जो प्रतिबिंब की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। आंसर है डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मगणात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन से अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना, सॉरी आगमनात्मक। आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसमें अवलोकन, चिंतन के विभिन्न रूपों अथवा प्रकारों को शामिल किया जाता है। यह लक्ष्य उन्मुखी सोच की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है तथा उस तर्क की को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनस्मरण करने में असफल होना कहलाता है। ऑप्शन से विस्मरण, स्मरण, धारण, चिंतन। इसका सही आंसर नंबर वन विस्मरण।
क्योंकि सीखी गई बातों को धारण करने और पुनर्स्मरण करने में असफल होने को विस्मरण कहा जाता है। यह याद की कमी को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ऑप्शन से केवल बिल्ली और तथा चूहों में, सभी प्राणी में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, और चौथा है केवल कलाकारों में। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है जो जन्मजात व प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। इसमें परिवर्तन समाज व वातावरण के प्रभाव से भी होता है जो बाद में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइड। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड प्लीज कमेंट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।